أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. عيد السيد के बाद हमारी ये पहली महफिल है, बल्कि एक महीने तक हमारी महाफिल नहीं हुई। और आज आपके जाने पहचाने मुखर्रिर इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर सैयद शाहिद हकीम साहब, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड, वो जो हैं आपको मुखातिब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उनसे वाकिफ नहीं हैं, वो आगाज़ ही से इन महाफिल में मुखातिब किए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी आज की महफिल 499वीं महफिल है, और 500वीं महफिल भी जो है शरीयत इंफॉर्मेशन की, ये अगला हमारा एक लैंडमार्क है। तो मैं उनसे गुजारिश करते हुए आप सबसे ख्वाहिश करना चाहूँगा कि हमारी महाफिल की कामयाबी आपके ताउन की वजह से है। आज ज़रा रिमझिम होने से शायद हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ही वो काफ़ी है, तादाद मुतासर है। खैर लाइक फल से जितने भी आए शुक्र है खुदा का। तो मैं उनको दावत खिताब देने से पहले आप ही के जाने पहचाने मशहूर हैदराबाद के शायर कायस घराने के जगजीवन लाल सहर साहब से गुजारिश करूंगा, वो आपको इससे पहले भी मुखातिब कर चुके हैं, कि वो हम्द पेश करेंगे। उसके बाद हमारे आज के मुखर्रिर साहब हमें अपने खिताब से सरफराज फरमाएंगे। अगले बुलेटिन का इसलिए मैं तذکرہ नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम का, कि वक्त कम रहता है और वो दिल्ली से आते हैं और वो बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं, तो उनको ज़रा वक्त ज़्यादा ही हम देना पसंद करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि फौरी उनके हमारे जगजीवन साहब के हम्द की पेशकशी के बाद वो अपना खिताब शुरू कर देंगे आज के मुखर्रिर साहब। तशरीफ़। चाहूँगा ज़्यादा हम पेश खिदमत हैं। हम का मतलब है, चाहिए मुझको बस एक तेरा इशारा या रब, चाहिए मुझको बस एक तेरा इशारा या रब, मुझको सजदे में है मरने की तमन्ना या रब, चाहिए मुझको बस एक तेरा इशारा या रब, मुझको सजदे में है मरने की तमन्ना या रब, जब तेरी याद मेरी सोच से हो जाए परे, जब तेरी याद मेरी सोच से हो जाए परे, ऐसा लम्हा न कभी मुझको दिखाना या रब, जब तेरी याद मेरी सोच से हो जाए परे, ऐसा लम्हा न कभी मुझको दिखाना या रब, तो जो चाहूँगा मांगना हक ही सही, फिर भी ना मांगा मैंने, मांगना हक ही सही, फिर भी ना मांगा मैंने, है मुझे तेरी अताओं पे अकीदा या रब, है मुझे तेरी अताओं पे अकीदा या रब, लाख दुनिया मुझे बेचैन करे शामो सहर,
लाख दुनिया मुझे बेचैन करे शामो सहर, दिल कभी गाफिल सजदा नहीं होगा या रब। लाख दुनिया मुझे बेचैन करे शामो सहर, दिल कभी गाफिल सजदा नहीं होगा या रब। मैं गुनाहगार सही फिर भी हूँ बंदा तेरा, मैं गुनाहगार सही फिर भी हूँ बंदा तेरा, मुझ पे भी रहम के बादल कभी बरसा या रब। मैं गुनाहगार सही फिर भी हूँ बंदा तेरा, मुझ पे भी रहम के बादल जरा बरसा या रब। शेज़ तोजो जाऊँगा, देखिए, अब किसी और सहारे की तमन्ना ही नहीं, अब किसी और सहारे की तमन्ना ही नहीं, जबकि हासिल है मुझे तेरा सहारा या रब। अब किसी और तमन्ना के सहारे ही, अब किसी और सहारे की तमन्ना ही नहीं, जबकि हासिल है मुझे तेरा सहारा या रब। मख्तर्स क्या है, नेक राहों पे जो चलता रहा अब तक भी सहर, नेक राहों पे जो चलता रहा अब तक भी सहर, उसको गिरने से फकत तूने संभाला या रब। नेक राहों पे जो चलता रहा अब तक भी सहर, उसको गिरने से फकत तूने संभाला या रब। चाहिए मुझको बस एक तेरा इशारा या रब, मुझको मन सजदे में है मरने की तमन्ना या रब। करीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कुरान करीम की चंद आयात आपकी नज़र हैं। मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा इसलिए कि इन आयात का ताल्लुक आज के मज़मून से, कि मनसब और मकसद उम्मत मुस्लिमा का, क्या मनसब था हमारा, क्या किस मकसद के तहत हमको क्रिएट किया गया और हम आज क्या कर रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110, मैं आते नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त इसकी बात की इजाज़त नहीं देता। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। सूरह माईदा की आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। सूरह निसा की आयत नंबर 135, ऐ लोगों, इंसाफ के अलमबरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ तुम्हारी गवाही की जद में खुद तुम्हारी अपनी ज़ात या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। फरीक़ मामला खा मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर खा है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो। अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो जो कुछ तुम करते हो उसकी अल्लाह को खबर है। सूरह माईदा आयत नंबर 8, ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, किसी ग्रोह की दुश्मनी उस तुमको इतना मुश्तैल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। ये अदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। सूरह हश्र में फरमाया गया कि वो तिलकल अमसार नदीबल इन्नासिल आलम या तफक्करून, हम ऐसी मिसालें खोल खोल के बयान कर देते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसाफ का एक लम्हा 70 साल की नफिल इबादत से बेहतर है। अगर आप संजीदगी के साथ इन आयत पर गौर करें और अगर हम में ज़रा सी भी एहसान शिनासी है तो हम सर्वसुजूद हो जाएंगे। अभी आपने बड़ी अच्छी हमद पढ़ी कि अल्लाह के मैं चाहता हूँ कि मैं सजदे में ही मेरा दम निकले। हम सर्व सुजूद हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे कि अल्लाह ताला ने क़ियामत तक के लिए हमको बेहतरीन उम्मत करार दिया। और बदनसीबी यह है कि हम इसको भुला बैठे हैं। हम दुनिया के एजाजात के लिए तकोदौक करते हैं, दुनिया के एजाजात के लिए
भागदौड़ करते हैं, लोगों के सामने सर झुकाते हैं, यहाँ तक कि बदनसीबी की बात यह है कि हम अपना दीन और ईमान भी फरामोश कर बैठे हैं ताकि कोई पद्मश्री मिल जाए, कोई पद्म भूषण मिल जाए और या कोई और अवार्ड मिल जाए, ये तो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो एजाज़ हमको अता किया कि तुम बेहतरीन उम्मत उठाए गए, और आज के वर्ग के तुम्हारा काम यह कि लोगों को भलाई का हुक्म दो, भलाई तरफ बुलाओ नहीं, हुक्म दो और बुराई से रोको, अल्लाह पर ईमान लाओ। हुजूर ने कहा कि बुराई देखो तो ज़बरदस्ती अपने हाथ से उसको मिटाने की कोशिश करो, ये नहीं कर सकते तो कम से कम जुबान से बुरा बोलो, ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा मानो, लेकिन ये ईमान की कमजोर तरीन शाख है। उम्मत, कुरान ये भी कहता है कि तुम एक हो उम्मत वाहिदा, सूरह अंबिया की में है यह आयत कि तुम एक ही उम्मत हो उम्मत वाहिदा, लिहाजा अपने रब पर ईमान लाओ, अपने रब के सामने सर्वसुजूद हो जाओ। उम्मत और कौम में जमीन आसमान का फर्क है। बदनसीबी से सारी दुनिया में हर आदमी कहता मुसलमान एक कौम है, मुसलमान कौम नहीं है, मुसलमान उम्मत है। उम्मत अकीदे की बिना पे वजूद में आती है। कौम मुल्क नस्ल और ज़ुबान की बुना पे वजूद में आती है। जापान से लेकर अमेरिका तक जिसका अकीदा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस उम्मत वाहिदा का फ़र्द है, ये एकता उम्मत है, उम्मत वाहिदा एकता उम्मत है, इसका फ़र्द है। हिंदुस्तान में हम बहसियत हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी ज़रूर हैं, लेकिन कोई कश्मीरी है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई तेलुगु है अपनी ज़ुबान, या फिर कोई ब्राह्मण है, कोई फलाँ है, कोई फलाँ है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तफरीक नहीं करता, इस्लाम कहता है वबिहब्लिल्लाहि वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो, आपस में इफ्तराक मत करो। अल्लाह की रस्सी क्या चीज है? कुरान मजीद, इसको पकड़ो। पकड़ने के माने नहीं है, माशाल्लाह रमज़ान गुजरा है, बहुत लोग काफ़ी लोगों ने कुरान ख़त्म किए होंगे, कुरान सुने भी होंगे, और यहाँ पर तो हैदराबाद में तो शबीना भी होता है, और शबीने की तरफ से बड़ी अकीदत है। लेकिन मैं हुजूर सलाम की एक हदीस सुना दूँ आपको, 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म मत करो। आप शबीने में कुरान ख़त्म करते हैं, आप बताइए कितनी जसारत की बात है। और एक बात, सज्दे और रुकू और क़याम और कूद के साथ अगर आप बहुत तेज भी पढ़ते हैं तो एक पारा ख़त्म करने में 20 मिनट लगते हैं, 30 पारे के 20 मिनट से कहते तो 600 मिनट हुए, 10 घंटे। 8 बजे भी शुरू किए तो 6 बजे जाके 10 घंटे होते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक रात भर में शबीने में कुरान ख़त्म हो जाए? कितनी बड़ी जिसारत है, क्या ये कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये इबादत है? ठंडे दिल से सोचे, क्योंकि हम बड़ी जज्बाती कौम है, जल्दी ज़रा गुस्से में एकदम आ जाते हैं कि साहब ओ इतनी बड़ी बात कर दी कि शबीने को मना करो, मना नहीं करो, मैं आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ठंडे दिल से बताइए कि 10 घंटे लगते हैं कुरान ख़त्म करने के लिए, अगर आप एक रात में करें तो क्या ये मुमकिन है? और फिर सूरह मुज़म्मिल में हमें आके ऐ रसूल कुरान पढ़े तो ठहर ठहर के पढ़े। बेहतरीन तरावी वो है जहाँ एक पारा होता है, और बेहतरीन तरावी है जो 28 रमज़ान को ख़त्म होनी चाहिए, 26 को नहीं। शब कदर तो हुजूर ने कहा कि 5 रातों में ढूंढो, हमने 26 कैसे करार दे दिया? अगलब गुमान यह है कि 26वीं रात है, लेकिन सरकार ने फरमाया कि 5 रातों में ढूंढो, और वो 29वीं शब को ख़त्म नहीं करते, हम 26वीं शब को ख़त्म कर देते कि। और एक है, 5 दिन में कुरान ख़त्म कर लिया, उसके बाद तरावी ख़त्म। हालांकि हुक्म यह है कि तरावी चांद देख के शुरू करो, चांद देख के ख़त्म करो, खा बेशक आप एक कुरान भी ख़त्म ना कर सके, अलम तरासी पढ़ो, लेकिन तरावी पढ़ना जरूरी है। कुरान सुनना अहम नहीं है, सुनना कुरान की अहमियत तो अपनी जगह पे है, सुनो तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर किसी मस्जिद में कोई हाफिज़ साहब नहीं मिल सकें, आप तरावी पढ़ना बहुत अहम है, कि तरावी छोड़ना नहीं है। हमारा ये हाल है, 3 दिन में कुरान ख़त्म, उसके बाद गैर, 5 दिन में ख़त्म, उसके बाद तरावी आती नहीं है लोग। तो फिर अपने उसमें आता हूँ कि उम्मत और उम्मत का और कौम का फ़र्क ये है। और यह है कि इस्लाम और एक चीज़ कहता है, वो यह है इन्ना अकरमुल्लाहु इंदल्लाहि अत्ताकुम, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो तकवा में सबसे बेहतर है। तकवा क्या चीज़ है? हज़रत उमर ने हज़रत माँ से पूछा कि आप कुरान फहम हैं, आप बताइए तकवा है क्या? उन्हें कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी कांटेदार झाड़ियों से गुजरे हैं? तो कहा हाँ, तो क्या करते हैं? बोले कपड़े समेट लेता हूँ कि कांटे में उलझ ना जाए। तो कहा कि दुनिया की बुराइयों से इसी तरह कपड़े समेट के गुजर जाने का नाम तकवा है। तो हुक्म हुआ कि जो
हमारा रोना ये है, अभी कोई जो है मिनिस्टर साहब तशरीफ ला लें, कोई दौलतमंद आ जाए तो मैं तकलीफ खत्म करके उनसे आके मिलने चले जाऊंगा। और एक बेचारा मुत्तकी आदमी है, मोची है, रिक्शे वाला है, हम उसको धुतकार देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आप कुरान के मानने वाले आप ऐसी हरकत करते हैं। आपके पास तो होना ये चाहिए कि खा वो मोची हो, रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, अगर वो उसका तकवा मुझसे बेहतर है, वो तुम हजार दर्जे बेहतर है, कि हो सकता है मैं बड़ा अफसर रहूंगा। इस्लाम में बर्तरी का मेयार तकवा है और कोई दूसरा कोई मेयार नहीं है। मैंने जो आयत शुरू की आप उस पर गौर करें, क्योंकि इंसाफ की बात भी मैंने कही है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पे अपना खलीफा भेजना चाहता हूँ। उन्हें कहा बड़ी गड़बड़ मचाएगा, कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। आदम को आसमां सिखा दिए, फरिश्तों को तुम बताओ हम नहीं जानते, आदम से कहा बताओ बता दिए। खलीफा, खलीफा यानी नायब, नायब यानी गवर्नर, सेंटर एक गवर्नर यहाँ भेजता है। गवर्नर का काम है कि सेंटर के हुक्म की तामील करना, गवर्नर का काम ये नहीं कि अपने हुक्म की अपना हुक्म नाफिज करना। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बना के भेजा तो इंसान का मकसद हयात यह है कि अल्लाह के कानून को नाफिज किया जाए, ना कि किसी पार्लियामेंट के कानून को नाफिज किया जाए। किसी चीज का खालिक, आपका टीवी है, उसका मैनुअल कौन लिखता है? खालिक लिखता है कि कोई और लिखता है? टीवी बनाने वाला ही लिखेगा कि भाई आप किताब है, इसको देख के आप ये इसको रिपेयर कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे चलाइए, इस तरह कीजिए। इंसान को तकलीफ को किसने किया? अल्लाह ताला ने। तो इंसान को क्या हक पहुंचता कि वहां अपना कानून नफेज करे? किस पार्लियामेंट को, किसी डिक्टेटर को, किसी आमिर को, किसी बादशाह को हक नहीं है कि आपका कानून नाफेज करे? किसी को हक पहुंचता? जो खालिक है वो बेहतर जानता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दूसरा नहीं जान सकता, खुद हम भी नहीं जान सकते। हम दुआएं करते हैं बहुत सी, उसके बाद आखिर में हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह हम दुआएं तो मांग रहे हैं लेकिन पता नहीं इन दुआओं में हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप हमसे बेहतर जानते, लिहाजा हमारे लिए वही कीजिए जिसमें हमें आखिर और दुनिया दोनों की बेहतरी हो, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं। उम्मत मुसलमान आदम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, रवा हदीस के मुताबिक 124,000 पैगंबर आए, 25 पैगंबरों के वाक्यात कुरान में दर्ज है, नाम उनके, ज्यादा हम उन 25 पे तो मानते हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि कोई हिस्सा जमीन का ऐसा नहीं है जहां अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नहीं भेजे हों, नबी नहीं भेजे हों, रसूल या नबी कोई नबी भेजा होगा, किसी को किताब दी, किसी को किताब नहीं दी। हम तो चार किताबों को मानते हैं, लेकिन हो सकता है बाज़ उलमा का हमारे कौल है कि वेद भी आसमानी किताब है, रह सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, यहाँ पे बगैर जो है रसूल नबी के कैसे गुजर हो सकता। हो सकता है कि यहाँ के जो अकाबिर रहे वो भी अपने ज़माने के पैगंबर रहे हों, शख्सियत परस्ती ने उनको खुदा बना दिया। हम इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम कह भी नहीं सकते क्योंकि हम तो सिर्फ 25 है। तो लेकिन जितने नबी जितने रसूल आए उनमें किसी को भी शरीयत नहीं दी गई, सहीफे दिए गए, अहकाम दिए गए। उम्मतें सिर्फ दो ही थी, एक मूसा की उम्मत, एक रसूलुल्लाह की उम्मत। बाइबल हिदायत की किताब है, शरीयत की किताब नहीं है। ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं नई चीज नहीं लाया हूं, मैं तो तौरात के अहकाम को नाफिज करने आया हूं। तौरात शरीयत की किताब है, उसके बाद कुरान हिदायत और शरीयत दोनों की किताब है। चुनाचे कहा कि अलियोमा अकमल तो लकुम दीन, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अब कोई शरीयत नहीं आएगी ताकियामत, कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। कोई शख्स अगर रुसालत और नबूवत का दावा करता है तो दज्जाल है, वो काजिब है, झूठा है। हाँ, वो गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई जो है बहाउल्लाह ईरान के हों, ये कज्जाब हैं, मुनाफिक हैं, दज्जाल हैं। ये रसूलुल्लाह के बाद कोई नहीं आता, क्योंकि कुरान में मजीद में कहा कि आप आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा, आप पे नबूवत का अख्तिताम होगा, खातिमुन नबीन हैं। जिसका इस पे इत्तेकाद नहीं हो मुसलमान नहीं है। चुनाचे जब यह आयत उतरी तो यहूद मक्के मदीने के यहूदियों ने कहा कि अगर काश ये आयत हम पे उतरी होती तो हम इसको ईद का दिन मनाते, कि आज शरीयत का अख्तिताम होगा, अब क्यामत तक कोई कानून नहीं आएगा। क्यामत अगर अल्लाह के कोई जानशीन है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी शरीयत चलेगी। उनकी शरीयत क्या? कुरान और हदीस और हुजूर की जिंदगी क्या? उसकी तशरीह।
कुरान की तशरीह सरकार की जिंदगी, बीबी आयशा से कितने पूछा कि सरकार के जो है जिंदगी कैसी थी, कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कहा पढ़ा है, तो बोले कुरान सरकार की जिंदगी है पूरी। तो आप बताइए आपका मनसब क्या किया, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की सारी अकवाम पे फजीलत अता की, आपको जो है उम्मत आखिरी उम्मत बनाया और आपको खैर उम्मत बनाया, सारे उम्मतों के लिए खैर बनाया ताकि आप अल्लाह का कानून नाफिज करें, ताकि आप कुरान और हदीस की बात इस दुनिया पे नाफिज करें। इतना बड़ा मर्तबा आप कभी सोच सकते कि इतना बड़ा मर्तबा, सारी दुनिया के लोगों पे फोकियत अता की, मैं इसलिए कि अब तुम वाहिद लोगो जो अल्लाह की एकताई मानोगे, अल्लाह की वहदानियत को मानोगे, अल्लाह के रसूल की खत्म नबूवत को मानोगे और हर बात पर तुम ईमान ले आओगे। सूरह हुजरात में है ये बुद्धू लोग, उन्होंने कहा कि हम तो मोमिन हो गए, कही है रसूल तुम मोमिन नहीं हुए, तुम मुती हुए हो, तुम मुसलमान हुए हो, तुम मोमिन नहीं हुए हो। मुसलमान कौन है? जो ईमान लाया। ईमान किस पे? हर गैब पे, अल्लाह की जात व सिफात पे, जन्नत पे, दोजख पे, फरिश्तों पे, तकदीर के अच्छे बुरे होने पे, हर वो चीज जो हमारी नजरों से उज्जवल है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इस पे ईमान लाओ। ईमान बिल गैब, पहले ईमान, नमाज, रोजा, हज, जक़ात, पांच चीजें, ये तो मुसलमान हो गए। ये मोमिन क्या है? कुरान हुजरात में है, उसका जवाब है मोमिन वो है जो इन सब पे यकीन कामिल रखे, जरा सी भी झिझक ना हो, जरा सा भी शक ना हो कि भाई ये है कि नहीं है, यकीन। उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जान और माल के साथ जिहाद करना, ये सात चीजें हो तो मोमिन होता, नहीं तो मोमिन नहीं होता, मुसलमान होता है। आज हम दुनिया में मुसलमान हैं, मोमिन बहुत कम है। आज तो हमारा ये आलम है कि जिहाद के नाम से हम डरते हैं, नाम लेते हो घबराते कहीं हुकूमत फौज पकड़ के ना ले जाए। हर तब अंग्रेजी अखबार में आता है जिहादी एलिमेंट, जिहादी एलिमेंट, जिहादी एलिमेंट। आम है जिहादी, मैं जिहादी हूं। देर इज नो सर्वाइवल विदाउट जिहाद। जिहाद के बाद, जिहाद के बगैर जिंदगी नहीं है। एक कीड़ा भी अपनी गिजा के लिए जिद्दोजहद करता है, एक चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, दिन भर उड़ते फिरती है चंद दानों के लिए और चंद अपने बच्चों को खिलाने के लिए। आप चावल बोते हैं वो जिद्दोजहद करता है जमीन फाड़ के ऊपर आने के लिए। हर जिंदगी, जिहाद के बगैर तो जिंदगी नहीं है। हमको घबराने की क्या वजह है? जिहाद, जिहाद के माने कश्मकश के हैं, जिहाद के माने स्ट्रगल के हैं, जिहाद के माने तलवार के नहीं, वो किताल फी सबीलिल्लाह है, वो इस्लाम की चोटी है। कोई भी जान अपनी जान को आसानी से नहीं देता, और वो इस किताल जो है अल्लाह के रास्ते में है। हजरत अली ने एक जंग में एक पहलवान को पछाड़ दिया और चाकू निकाला उसको मारने के लिए, उसने आपके मुंह पे थूक दिया, आप छोड़ के खड़े रह गए। कहा कि आपने क्या किया, आप तो मुझ पर काबू। कहा कि मैं अपने लिए किसी को नहीं मारता, मैं अल्लाह के लिए तुझे कत्ल कर रहा था, तूने मुझ पर थूका, मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने लिए किसी की जान नहीं लेता। वो अफजल तरीन इबादत है किताल फी सबीलिल्लाह, और वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अपनी जात के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, जर के लिए नहीं, जन के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनीति के खातिर जो किताल होगा। जब आपके कड़ा वक्त आ जाता है, जब इस्लाम पे जो है एक मुसीबत तारी हो जाती है, उस वक्त हर शख्स पे एक फर्ज है, खासतौर पे इस्लामी उनके, उसको हर वो आदमी जिस बूढ़ा अगर ना हो, औरत ना हो, बच्चा छोटा ना हो, हर एक पे फर्ज है उस वक्त तलवार लेके निकलने का। और कोई बुरी बात नहीं है, हक की खातिर लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, जुल्म को रोकने की लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारा किताल, हमारा जिहाद ऑपरेशन के खिलाफ जंग है, जुल्म के खिलाफ जंग है, ये कि हम अपनी जात के लिए नहीं है। हम अब ये हाल हो गया कि अल्लाह माफ करे कि हमारे अच्छे खासे लोग भी बोलते मसलहत का तकाजा है वो ये बात मत करो। उनकी खिदमत में एक दो अशार पेश करता हूं मैं। होशमंदों ने कहा हर बुजदिली को मसलहत, जानिब मकतल गए तो सिर्फ दीवाने गए। जो हक की खातिर कटा दे गर्दन वही है मुस्लिम, वही है मोमिन। जो बात करता है मसलहत की मोमिन समझो वही है काफिर। जब इस्लाम पे वक्त आ जाए आप उस वक्त जो है मसलहत का क्या सवाल पैदा होता। हम तो अपनी जायदाद के लिए लड़ते फिरते हैं, मुकदमेबाजी होती है, कत्ल भी होता है, और इस्लाम पे कड़ा वक्त आया तो हम बोलते मसलहत का तकाज़ा है कि कुछ मत बोलो। अल्लाह ताला ने हमको वो चीज इनायत की, मैं समझता हूं कि अगर हम जिंदगी भर भी सजदे में रहें तो काफी नहीं है,
दुनिया की वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आप सबसे इल्तिजा है कि मुझ नाचिस के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी जो सच्ची बात है उसको कबूल करे, जो गलत बात अगर मैंने किया तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरी चीज़ है कि अल्लाह मुझको मुकम्मल तौर पर इस काम के लिए चुन लीजिए, और अल्लाह जब आप दुआएं करें तो अल्लाह वास्ते दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हदीस है वो मुसलमान नहीं है जिसके दिल में उम्मत का दर्द नहीं है। तो सारे मुसलमान के दुआ कीजिए, जो मुझसे जिस मैं अल जज़ीरा टीवी देखता हूँ मैं खून के आंसू रोता हूँ, इतने बच्चे क्या हालत है मैं बयान नहीं कर सकता, शाम में मिस लीबिया में अफगानिस्तान में आप सोच नहीं सकते। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंता सलीम। जैसे कि आपसे कहा गया हमारा 488 ये एलामिया है, और एक बात ख़ास तौर पे मुझे आपसे कहनी है कि हर इतवार को डॉक्टर मीर अनीसुद्दीन साहब के सीडीज लगाए जा रहे हैं, और वह है जोहर में। ये डॉक्टर मीर अनीसुद्दीन एक बैनुल अक्वामी शोहरत रखते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है कलाम मजीद का, और ये यहाँ गन फाउंड्री में रहते थे। 14 साल तक इनका दर्स हुआ, 5-6 दौर हुए, उसके बाद अभी भी दौर चल रहे हैं, लेकिन वो सीडीज अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी कितनी बैनुल अक्वामी मांग हो गई है, शोहरत हो गई है, और उसकी वजह क्या है। तो आप ये जहन में रखिए कि हर इतवार जोहर में तशरीफ लाइए, और पहले ही वक्त अगर एक दफ़ा शिरकत कर अहमियत की चीज़ है, यानी उसकी शिरकत जो है उसी आपको उसके बाद ही आप अंदाज़ा कर सकते। 14 अगस्त को है, 6 शव्वाल को, 4 शंबा बाद नमाज़े असर, यानी आज से कल नहीं परसों, और कल नहीं परसों बाद नमाज़े असर इसी मुकाम पर, और असर के बाद, जबकि असर की जमात 5:15 पर ही है, 5:15 पे है ना अगले बुलेटिन में भी असर। तो उसमें जो है जनाब मुस्तर मजाज साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में मुखातिब करेंगे, महफिल अकबाल शिनासी का 722वां लेक्चर है, समझे ना। तो उसमें जो है हिकमत कलीमी तज़ियाती मुताल्या, ये मुस्तर मजाज साहब वो हैं जिन्होंने फारसी कलाम और उससे हमें वाकिफ कराते हैं कि अल्लामा इकबाल ने फारसी में क्या कुछ कहा है। हिकमत कलीमी तज़ियाती मुताल्या है जनाब मुस्तर मजाज का, ये आप कल नहीं परसों ज़रूर तशरीफ़ लाइए, आपको हमारी महाफिल की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा। चूँकि दुआ हो चुकी है, महफिल की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाए।